सिद्धार्थ नगर के पथरा बाजार थाना क्षेत्र के सुहा में दो दिन पूर्व हुए डबल मर्डर का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। साथ ही दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बेहद सनसनीखेज तरीके से हुए डबल मर्डर को लेकर एसपी विजय ढुल ने बताया कि 9 मार्च की शाम 8 बजे चंद्र प्रकाश अपने घर के पास खड़ा था, तभी बेगूसराय निवासी अमित सिंह ने आकर उसे गोली मार दी और भागने लगा। गोली की आवाज़ सुनकर चंद्र प्रकाश के भाई और भतीजे ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया और उसी अवैध असलहे से उसके सिर पर कई वार किए, जिससे अधिक खून बह जाने से अमित की मौत हो गई। इस मामले में बाबा प्रहलाद की बेटी स्नेहा ने पुलिस को तहरीर देकर पूरी घटना पुलिस को बताया। इसी के तहत पुलिस ने चंद्र प्रकाश के भाई ओम प्रकाश व भतीजे राजू को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। हम आपको बताते चले कि 31 दिसंबर 2011 को राम जानकी मठ के बाबा प्रहलाद की हत्या के मामले में चंद्र प्रकाश को जेल हुई थी और 2017 में वह जमानत पर रिहा हुआ था। तभी से वह बाहर रह रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही वह अपने गांव शुमहा आकर अपने भाई के पास रहने लगा था। उधर बाबा प्रहलाद की हत्या के बाद से उनका नौकर अमित सिंह अपने मालिक की हत्या का बदला लेने के लिए लगा हुआ था। इसी के चलते जैसे ही चंद्र प्रकाश वापस गांव में लौटा, उसने चंद्र प्रकाश की हत्या कर दी और अमित की हत्या चंद्र प्रकाश के भाई व भतीजे ने कर दी। फिलहाल अमित की हत्या के आरोप में चंद्र प्रकाश के भाई व भतीजे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही उपयोग किया गया अवैध असलहा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये दिनांक 9 मार्च को थाना पथरा बाजार में एक मुकदमा दर्ज हुआ धारा 302 के अंतर्गत, जिसमें वादिनी संत कुमारी उर्फ स्नेहा ने बताया कि उनके घर पे काम करने वाले अमित सिंह को उन्हीं के गांव के दो व्यक्तियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है और अमित सिंह के द्वारा भी एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। तुरंत इस पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के देखा गया तो पाया गया कि अमित सिंह ने प्राण रंजिश के चलते चंद्र प्रकाश की हत्या की है और चंद्र प्रकाश के परिवारीजन, जिसमें उनके भाई ओम प्रकाश और उनके भतीजे राजू पांडे, इन दोनों ने मिलकर अमित सिंह की हत्या कर दी है। अमित सिंह मौके पर मृत पाए गए और चंद्र प्रकाश और राजू पांडे और चंद्र प्रकाश के भाई ओम प्रकाश, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो असला अवैध असला चंद्र प्रकाश की हत्या में प्रयोग हुआ था उसको भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। एक खाली खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है और इसमें पता चला है कि अमित सिंह की हत्या भी चंद्र प्रकाश के भाई ओम प्रकाश और राजू पांडे द्वारा उसी अवैध असले से उनके सिर पे बार बार वार करने के कारण हुई है। उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि की है। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में आज भेजा जा रहा है।